रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 2/18 जिसमें प्रोविजनल पैनल 1 आ चुका है, आरआरबी मुंबई और जोन कहें तो सेंट्रल रेलवे या मध्य रेलवे की कह सकते हैं। तो मध्य रेलवे जो जोन है जिसको आरआरसी मुंबई देखता है, इसको कवर करता है। अब यहाँ ज्वाइनिंग कब आएगा इसका इंतजार है, क्योंकि आपकी ये डिवीजन से अलॉट होगा। जब डिवीजन अलॉट हो जाएगी उसके साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी लोगों का सवाल आता है कि टोटल वैकेंसी में 1758 को ही क्यों नौकरी दिया गया। तो टोटल आरआरबी सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी की बात करेंगे आप तो 4625 कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट इतनी थी, उसमें से 1758 का रिजल्ट अभी आया है प्रोविजनल पैनल 1 में। तो टोटल कैंडिडेट कितने बच गए, 2867 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, इतनी कैंडिडेट का रिजल्ट अभी क्यों नहीं आया। तो इन रिजल्ट के पीछे एक ही कारण है कि इस लिस्ट में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का लिस्ट नहीं है, अप्रेंटिसशिप वाले पोस्ट खाली रह गए, दूसरी एक सर्विसमैन के कैंडिडेट पूरी नहीं हुए, और तीसरी जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, जिसके लिए अभी वेटिंग लिस्ट में दिया है। उनको इंतजार किया गया है, किसी को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, किसी को एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। सारा डिटेल यहाँ हम देखेंगे एक एक करके आपके साथ। तो यहाँ अन्य का नाम कब आएगा, ये सबके बाद सवाल है। तो जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको सूटेबिलिटी के बाद ही रिजल्ट आ सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ है लिस्ट। तो आरआरसी मुंबई के लिए आप rrccentralrailway.com खोलेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट दिखेगा जिसमें लेवल 1 पोस्ट के लिए सारी डिटेल दी हुई है। इसमें अगर आप जाते हैं, ओपन करते हैं इस लिस्ट को, तो आपको एक प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 दिखेगा। इसके बाद पार्ट 2 भी आता है, पार्ट 3 भी आएगा। जैसे जैसे कैंडिडेट सूटेबल होते जाएंगे सबकी लिस्ट आती जाएगी, वैकेंसी डिवीजन अलॉटमेंट बाद में इसके होगा। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट खुलेगा, जो लिस्ट मेरे ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट लिस्ट है सेंट्रल रेलवे का। 42 पेज का लिस्ट है जिसमें सबकी नाम रोल नंबर के साथ दिया हुआ है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 है जिसमें 1758 कैंडिडेट, जो हम पहले ही बात कर रुके हैं, लेकिन ये 1755 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में कोई इनकी रिमार्क नहीं थी, टोटल 100% सही थे, जिनकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कौन कौन मेडिकल स्टैंडर्ड के लेवल में थे। तो देखिए A2, A3, B1, B2 और C3 की यहाँ बात नहीं की गई है। तो इतने में जो जो फिट थे उनको बोला गया है कि आपके लिए लिस्ट की तैयारी की जा रही है, आपको प्रोविजनल पैनल डिवीजन अलॉटमेंट, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से, कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन ड्यू टू कोर्स ऑफ सब्जेक्टेड ऑफ मेरिट गिव बी ऑप्शन ए पोस्ट मेडिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी। अगला आपका काम डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग का होगा, जो आपके पास लेटर के रूप में भेजा जाएगा और ऑफिशियल नोटिस भी आएगा। इसमें कैंडिडेट का देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, दूसरी कंडीशन यहाँ देखेंगे तो इसमें आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का नाम नहीं है, उनके लिए अलग से लिस्ट आएगी, वो ध्यान दीजिएगा। जो कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं उनके नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम आपका है। अगली लिस्ट आएगी उसमें डिवीजन आपकी अलॉट कहाँ होगी उसमें नाम होगा, और अगली लिस्ट मेरिट बाई होगी। ये पूरी तरह से मेरिट बाई अभी लिखा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें तो ये मेरिट बाई नहीं है। जो लोग फिट हुए हैं, नंबर देखिएगा, नंबर बढ़ते हुए जाएगा, तो नंबर बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1036, 4853, 65, 71 बढ़ते हुए क्रम में है, यानी अभी इस पे पूरी तरह से लिस्ट मेरिट में नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट आपको मिल जाएगा, टोटल कैंडिडेट का लिस्ट आप नीचे तक आएंगे, 42 पेज पर मैं एक लाइन में आ जाता हूँ नीचे, सबसे नीचे लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 1758 कैंडिडेट हैं, अपनी अपनी नाक चेक कर लें तो ये कैंडिडेट है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको कि 4625 पोस्ट में 1758, बाकी लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं 2867, जिसमें से कुछ कैंडिडेट वैकेंट रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि सी सी ए अप्रेंटिस पोस्ट
खाली रहने वाली है, ये सब लोगों ने देखा है, क्वालिफाई नहीं किए हैं लोग उतनी जितनी क्वांटिटी में है। अब बात करते हैं कि आपको डिवीजन कहाँ अलॉट होगा। तो सबसे पहले आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में कितने डिवीजन है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, एक तो डिवीजन में होती है, और डिवीजन के अंदर भी आपकी बंटवारा किस रूप में हो सकता है, वर्कशॉप प्लस आपकी कोई स्टेशन वगैरह अलॉट हो सकती है उसके लिए। तो वर्कशॉप और डिवीजन देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम डिवीजन की बात करेंगे, तो सबसे पहले आरआरसी मुंबई में डिवीजन आप जानेंगे ही कि मुंबई तो होना ही चाहिए, मुंबई को मुंबई CSMT बोलते हैं। तो एक डिवीजन ये है, यहाँ आपकी हो सकती है। दूसरा आपका भुसावल में हो सकता है आपका डिवीजन अलॉट। तीसरा डिवीजन यहाँ का है सोलापुर, जिसमें पुणे वगैरह वगैरह आता है आपका, सोलापुर है। चौथा डिवीजन है इसमें नागपुर। पांचवा अलग से ही पुणे डिवीजन है, सोलापुर अलग है, पुणे अलग है, और पांचवी डिवीजन है यहाँ पे टोटल है। तो पांच डिवीजन में आपको कहीं भी आपका नाम अलॉट हो सकता है। उसके बाद कुछ वर्कशॉप भी है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जितने भी ग्रुप कैंडिडेट ग्रुप डी कैंडिडेट। अभी भी हम RRB मुंबई और सेंट्रल रेलवे के RRC पे हैं, जिसमें देखिएगा ये आपका अप्रेंटिसशिप वाले लिस्ट का नाम है, जिसमें यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है कौन कौन सी यूनिट इस RRC के अंदर हैं उसके बारे में डिटेल है। तो देखिए कैरेज एंड वैगन आपका CNW डिपो वादी बंडर, उसके बाद कल्याण डीजल लोको सेट, कुर्ला डीजल लोको सेट, ये सारा वर्कशॉप है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है संभावित रूप से। तो संभावित की यहाँ बात की जा रही है, एग्जैक्ट की नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला है मटुंगा वर्कशॉप, यहाँ भी हो सकता है आपका पोस्टिंग। अगला देखें, अगले में आगे आएंगे तो पारेल वर्कशॉप, यहाँ भी आपका हो सकता है। उसके अलावा देखिए SNT बाइकुला, यहाँ भी हो सकता है आपकी पोस्टिंग। उसके बाद आप देखिए सीनियर DE TRS कल्याण, यहाँ भी हो सकता है। कल्याण के बाद एक सीनियर DE कुर्ला है, यहाँ भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये डिटेल था जिसमें हम RRB मुंबई के बारे में बात किए हैं। तो अब दो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, आपका अगला लेटर ज्वाइनिंग के रूप में डिवीजन अलॉटमेंट के बाद होगा, बाकी कैंडिडेट का लिस्ट का नाम नहीं आया है उनके लिए भी यहाँ पे हम इंतज़ार करते नहीं, डायरेक्ट उस पोर्ट को देखते हैं कि वो कैंडिडेट का क्या कंडीशन है, किस लिए नहीं आया है। तो इसके लिए आपको इस नोटिस पे में मिल जाएगा सारा डिटेल। तो इसको ऊपर करिएगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ किन कैंडिडेटों को नाम नहीं आया है। तो पैराग्राफ 4 नंबर आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे देखिएगा दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर, नहीं दिखाया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का, और वो कैंडिडेट की संख्या कितनी है 2867, जबकि 1758 को ही केवल दिखाया गया है। क्यों? ड्यू टू नॉन क्वालिफाई ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन, जो स्टैंडर्ड कौन कौन सा था, A2, A3, B1, B2 और C1, इसमें क्वालिफाई नहीं किए हैं। इसके कारण और भी कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हुज केस फाइल आर बीइंग रेफरेड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई है, गवर्नमेंट एग्जामिनर को उसके लिए भी एक्सपर्ट को भेजा गया है आपकी डिटेल। जब आपकी डिटेल आ जाएगी तो दोबारा इसके लिए बोला जाएगा और आपकी लिस्ट हो सकता है Panel 2 या Panel 3 में आएगा। तीसरा है शैल बी डिक्लेयर लेटर फाउंड फिट ऑथेंटिक फुलफिलमेंट एज लेड डाउन ए रिक्वायरमेंट इज ए अदर रीजन, और भी कोई सारे कारण हो सकता है ऑथेंटिक रीजन जिसके कारण से आपकी नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपकी सारा डिटेल, क्योंकि जो जो कैंडिडेट फिट हैं उनको 1758 को एक बार लिस्ट दे दिए, बाकी लोगों के लिए क्या क्या है, एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप नहीं क्वालिफाई किए, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी थोड़ी बहुत रिमार्क रह गई होगी, तीसरा आपकी फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम रह गई है, या और भी कोई कारण रह गया है जिसके कारण से आपको इस लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। तो अभी उम्मीद ख़त्म नहीं
हैं, अभी बहुत सारी प्रोसेस है। आप अगर आपकी बायोमेट्रिक एक बार नहीं मिलती है तो दोबारा भी मौका मिलता है, लेकिन अभी इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि आपकी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है, मीन्स आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी PWD कैंडिडेट का लिस्ट में नाम अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि थोड़ी सी ये जानकारी आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग था। थैंक यू, धन्यवाद।